दोस्तों नमस्कार। आज बहुत सारी ट्रेनिंग पे बातें होती हैं। आज ये फूड सप्लीमेंट बता दो, हमें ये खाना बता दो, ये वाला स्टेराइड बता दो। कभी हमने ये बात करी है कि कैसे हमारा मोमेंटम बना रहे? कभी हमने ये बात करी है कि मैंने आज एक बैटल लूज किया, एक कंपटीशन में गए, मैं पांचवें छठे नंबर पे आया, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस छोड़ के बैठ गए? कभी ये आपने सोचा कि जब मैं जिम में जाता हूं और महीने दो डेढ़ में ट्राई करता हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं छोड़ के बैठ गया? इन बातों के बारे में आपने कभी सोचा है? उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूं मुकेश। बहुत सारे लोग हैं जो एक बैटल ही बोलूंगा मैं भाई, किसी छोटे से कंपटीशन में गए, वहां हार गए, उन्होंने किसी बोला अभी तो तुम्हें 10 साल लगेंगे। हैं? तो वो तुम्हारा क्या, तुम्हें कितने साल हो गए कम से कम? अब 97 से लेके अब 24 साल हो गए। कभी छुट्टी तो नहीं करी मर्जी? नहीं जी, लगातार ही चलती थी। आपने सुरेंद्र? मुझे कितने साल हो गए? आप सुरेंद्र आप इससे पहले हैं? जी हाँ। और आप जब शुरू में हार जाते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, सुरेंद्र हार जाता था तो इसको बस में लोग जो साथ आते थे वो बोलते थे भाई तू तो नहीं जीतता, तू तो नहीं। एक दिन इसने मुझे आके बोला खुद कि सर मैं नहीं जीतता। इसको लगा होगा बचपन है, मैंने मतलब इसकी क्लास लगाई, इसके कान खींचे और फिर मैंने बोला आज के बाद नहीं तो या तो तुझे भगा देंगे या तुझे काम करना पड़ेगा मेरे को सुन के। उसके बाद ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पहली बार, और फिर ये यूपी में ओवरऑल बना। उसके बाद फिर मोस्ट मस्कुलर मैन ऑफ उत्तर प्रदेश भी बना। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग एक हार के बाद भाग जाते हैं, फिर जिम जाते हैं, 2 महीने गए कोई। अब जिम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जिम के कोच जो जिम के ऑनर हैं, जो नॉलेज वाले बंदे हैं, वो बैठे रहते हैं, अंदर कोचिंग चलती रहती है, आपने देखा ना? वही माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले रोड के ऊपर भी ज्यादा मिलेंगे, लाइफ में भी ज्यादा मिलेंगे। आप उनसे जिनको आपने फीस दी है, अगर मान लीजिए मुकेश जैसा बैठा है आदमी और मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं हमेशा इंटेलिजेंस क्या कहती है, आपका माइंड क्या बोलता है, पढ़ाई लिखाई क्या बोलती है, कि अपने टीचर से बात करो, ना कि अंदर जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप उनसे सोल्यूशन लेते हो, उनके पास अपना सोल्यूशन नहीं है तो आपको कैसे देंगे? ऐसे है मुकेश, बताओ। और आप गए कोचिंग के लिए जिसके पास है उन्हीं से आप ट्रस्ट करके, उन्हीं पे बिलीव करके आप सही गाइडेंस तो तब मिलेगी। आप अंदर वालों में बिलीव कर रहे हो, हैं? वो खुद अपनी सोल्यूशन के लिए आए। हाँ। और फिर आप अपने कोच से नहीं पूछ रहे आपको कौन सा सप्लीमेंट खाना है, आपको क्या करना है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो यू ट्राई, आप अपने बात करें ना अपने कोच से। आपने कभी, मैं ये फिटनेस की टॉक्स कर रहा हूँ, आपने कभी ये बात करी कि सर मेरा दिल नहीं कर रहा आजकल, मैं नहीं, आप चुप करके अपने जिम को छोड़ के बैठ जाते हैं और अपने अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं? ये वो झिझक छोड़नी पड़ेगी जी। वो सोचते हैं गुरु जी के पास जाऊंगा, पूछ रही मैं, चलो इससे पूछ लेता हूँ। हाँ। अब वो उसको गलत या सही क्या है, उसने गाइडेंस दी पता नहीं, आप फिर तक बात पहुंचे नहीं और वो छोड़ के बैठ जाता है। जो गाड़ी अंडर रिपेयर है अभी, वो आपको कैसे ड्राइव करके थ्रू ले जा सकते? हाँ हाँ। है ना जी। तो वो कहीं ना कहीं रस्ते में रुकेगी, वही आपके, आप उस गाड़ी पे सवार। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं मैं, कि अगर आपने सपोज मैंने दिल्ली से मुंबई जाना है और मैं चाहता हूं मैं पैदल जाऊं, एक आदमी कहता है मैं साइकिल पे जाऊंगा, एक आदमी कहता है मैं जहाज पे जाऊंगा, जिसके पास पैसे ज्यादा है वो जहाज पकड़े घंटों में, वहां जिसके पास उससे कम है वो राजधानी पकड़े, वो जिसके बाद उससे कम है वो तूफान मेल पकड़ ले सस्ती टिकट। उसके बाद अगर साइकिल वाला भी एक दिन चलेगा वो भी पहुंच जाएगा 1 महीने में, पैदल वाला चलेगा तो 2 महीने में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं टारगेट तो रखो, बिना टारगेट ही चले जा रहे हैं। वो आए थे मुकेश के पास भी बहुत बंदे आते हैं, सुरेंद्र के पास भी बहुत आते हैं, मेरे पास भी, जिमों में आप औरों में भी जाते हो कहीं भी। एक तो अपने कोच पे बिलीव करो और कोच से बात तो करो, आप बात ही नहीं कर रहे उससे, अंदर स्टूडेंट से बात करे जा रहे हो, बात टारगेट मिलेगा, एक दिन पैदल चलने वाले को भी मिलेगा। और ये मत सोचना
कि पूरे वर्ल्ड को हम ही ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मुकेश, और भी अच्छे कोचेज हैं, अपने कोच में बिलीव करना है। और हम मान लीजिए मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि इन लोगों ने बिलीव किया, इसीलिए हमने इंटरनेशनल प्लेयर भी निकाले। मेरे साथ राजा बख्शी भी बैठा है, ये भी जब ये शुरू शुरू में आया तो इसको भी बड़ी एंजाइटी थी, इसको इंग्लैंड गए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, इसको बड़ा एंजाइटी था मेरा मेडल लगेगा या नहीं लगेगा। अब मुकेश वगैरह को तो पहले निकाल दिया गया था बॉडी बिल्डिंग, इनको वहां से अमृतसर से वापस भेज दिया कि आप जाइए। लेकिन अगर ये सोचते कि यार मुझे तो भगा दिया, मैं गुरु जी का शिष्य हूं, वहीं से तो शुरुआत हुई। मैं ये कहता हूं आपके अंदर कितना जोश है, एक कील आपको चुभने की, एक कांटा चुभने की, या तो आप उस सड़क से जाना छोड़ देते हो या उस कांटे को निकाल के फेंक के फिर पैदल दौड़ लगा के शुरू वहां पहुंच जाते हो। आपको कितना है ना मुकेश, लड़ाई के लिए आपको मादा, ये जो हार है ना, दैट डज नॉट मीन कि यू हैव लॉस्ट द बैटल, ये नहीं है, और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इसके लिए। इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, एटलीस्ट आपने लूज किया, अब आप नया जोश लेके आओ। कभी हमने ये बात करी कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा सर, मेरा वर्जिश खाने भी भूख नहीं लगी, आपने अपने आप सप्लीमेंट खरीद लिए, गूगल पे देख लिए, है ना। बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए दोस्तों बड़ी बात करनी पड़ेगी, और बड़ी बात आप बोलते हैं ना, अगर बड़ी गेम खेल ली है तो बड़े दरवाजे रखने पड़ेंगे, अगर हाथी पालना है तो बड़े दरवाजे रखने पड़े। फिराक दिली, अच्छे से पूछना, अपने कोच से बात करना, ये अब इसका मतलब एक और भी होता है, कोई बच्चे पता क्या करते हैं, नंबर बनाने के लिए हर 10 मिनट में कोच के पास आ जाए कि सर ये बताना, सर ये बताना, वो नंबरिंग नहीं करनी, जो कोच बोल रहा है उसको सुनना, उसको सुनना, क्योंकि अगर जब तक आप कोच को अच्छे से सुनते नहीं हो तब तक मेरे ख्याल में आपको रिजल्ट मिले। हम सारी बातें ट्रेनिंग की करते हैं, हम सारी बातें डंबल कैसे मारने हैं, कितने सेट मारने हैं, अच्छा सर वो साइकिलें चलानी है, हवाई जहाज चलाने हैं, लेकिन अपने माइंड सेट को ठीक रख के ट्रेनिंग की तरफ जाके अपनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक जिम के अंदर हम बच्चों को देखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बड़ा वाला बंदा जो होता है उसको बोलता है प्लेटें उठा के ला, ये भी एक प्रॉब्लम है, फिर उसको लोग बच्चे छेड़ते हैं, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। जब मैं भी जाता था ना, जब मेरे 1975 का ये मेरा पहला कंपटीशन था, मैं गांव के जिम में जाता था, सब मुझे बोलते थे गोबर है, गोबर है, गोबर है, गोबर है, मतलब मिट्टी का है, तो ऐसे ये सब, पर वो मुझे ऐसे हॉन करती थी कि नहीं यार इनको मैंने बताना है। उसी कॉम्पिटिशन को मैंने जीता वेट लिफ्टिंग में, और वो पहला सर्टिफिकेट मैंने अभी तक इसलिए संभाल के रखा है कि मैं बताना चाहता हूं कि चोट कितनी गहरी होती है और आप कितने सीरियस हो जाते हो उससे। और ये दिमागी चोटें जो होती है ना, ये बंदे को पॉजिटिव भी बनाती है, सिर्फ नेगेटिव नहीं बनाती, बुगाई बनाती है, ये भी नेगेटिव बताओ नहीं। आपकी सोच के ऊपर है, जहाज कौन बनाता है, आदमी, समुद्री जहाज बनाया आदमी ने, सूरज पे कौन गए, चांद पे कौन गए, सब आदमी, आदमी की सोच है। आप छोटी सोच रखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, बड़ी सोच रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएंगे। मुकेश आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं मुकेश, आप बीमार हो गए थे ना बीच में, कितने साल बीमार रहे? मैं वो करीब 10-11 साल हुए। आपने दवाई खाई, मेरे साथ भी जी। और आप 2-3 साल दवाई भूल जाते थे, फिर हम भूल गए थे, फिर तूने खाई है दोबारा 3 साल, सोया का दिन, तो फिर 11 साल दवाई खाई है मुकेश, 11 साल, लेकिन फाइट किया, एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग नहीं छोड़ी जी। जो मर्जी हो जाए, डॉक्टर ने मना किया था गाड़ी नहीं चलानी, बुलेट नहीं चलानी, कुछ नहीं चलानी, हम वर्जिश करते रहे। आज हम आपके साथ बैठे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। कभी अपने बारे में, कभी टारगेट के बारे में, कभी जरूर सोचो, जब भी प्रॉब्लम आए अपने कोच से बात करो। मैं अपने YouTube चैनल पे इसलिए ये बातें डाल रहा हूँ कि ये जरूरी है। सब ट्रेनिंग डालेंगे, सब स्टेरॉइड्स की बात डालेंगे, सब कुछ भी डालेंगे, कोई नाचना शुरू हो जाएगा, कुछ भी, मैं वो डाल रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप देखते रहिए, और बातें भी बहुत,
मुकेश के बारे में आज मैंने बताई ना कि 12 साल बीमारी काटी है, उसके बाद भी ये मिस्टर इंडिया भी बना था उधर, और आज इसलिए मेरे ड्राइंग रूम में मुकेश की फोटो लगी हुई है, सुरेंद्र की फोटो इधर लगी हुई है, इनके बच्चे भी साथ हैं जर्मनी में। ये इसलिए कितने मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें कोई चमचागिरी नहीं है, बिकॉज अब मैंने हजारों बच्चों के आए हैं और सबकी फोटो तो नहीं लगी। जो अचीव करता है उसी को चैंपियन बोला जाता है। डॉक्टर ने बोला था आप बाइक मत चलाओ, आप हैवी वेट मत उठाना, तब भी ये इतना वेट उठाता था। हमने किसी को नहीं बताया ये बीमार है, किसी को नहीं बताया। एक बार इसने मिस्टर इंडिया की इतनी तैयारी की हुई थी, इसको एकदम स्ट्रोक आ गया और अगले दिन ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे पूरा मस्कुलरिटी खत्म हो गई। उसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, देखते रहोगे तो बात करते रहेंगे। लव यू ऑल माय डियर, गॉड ब्लेस। गोल्ड बटन आपका है, हमारा नहीं। थैंक यू, थैंक यू।